ना दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? आप कहेंगे हवा। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप कहेंगे भोजन, ये भी ज़रूरी है। लेकिन एक और ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है जल, क्योंकि जल बिना जीवन मुश्किल है। आज मैं इस पानी के द्वारा ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपने शायद कभी सुना होगा ऐसी कहावत ही कि आप जिस व्यक्ति के घर का पानी पीते हैं, आप में वैसे ही संस्कार आने लगते हैं। या आप किसी दुष्ट व्यक्ति के यहाँ लगातार 7 दिन तक पानी पीकर देखें, आपके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता प्रवेश करने लगेगी, नेगेटिव ऊर्जा। आपके मन में बुरे बुरे विचार आने लगेंगे। आप कभी शमशान का पानी, आप किसी ऐसे शमशान में गए हैं, किसी की दाह क्रिया करवाने के लिए गए हैं और आपको वहाँ अचानक प्यास, क्योंकि गर्मी में भी आप जाते ही हैं और वहाँ जो प्याऊ लगा होता है या जल का स्रोत होता है, वहाँ आप जल पीते हैं। अब देखना, कहीं ना कहीं आपको वैराग्य अपने आप में लगने लगेगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा, नश्वर है। इन्हें क्योंकि वहाँ हमने देखा है और उस जल में वह शक्ति आ जाती है, वहाँ की पावर आ जाती है। इसी प्रकार क्यों हम मंदिर जाते हैं और क्यों चरणामृत लेते हैं? वह भी तो जल ही है, लेकिन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। आपके इष्ट की पूरा आशीर्वाद, उनकी पूरी आप पर जितनी भी कृपा होती है उस जल के द्वारा आपके ऊपर आती है। इसलिए सिर्फ हम थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल या जो भी चरणामृत के नाम से लेते हैं, अवश्य लेते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, और लेना भी चाहिए। कई लोग बिना चरणामृत लिए आ जाते हैं और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इसे लेने से क्या होता है। आप लगातार कुछ दिन तक, 21 दिन, 31 दिन, 1 महीना, 41 दिन, कुछ दिन का नियम बनाएं कि प्रतिदिन आपको मंदिर जाना है, चरणामृत अवश्य लेना है। आप देखना, आपके अंदर एक शक्ति का, एक अच्छे विचारों की एक ऊर्जा आपके अंदर आपको अनुभव होने लगेगी। ऐसा लगने लगेगा कि आप में सब कुछ करने की ताकत है, आपके साथ कोई शक्ति ऐसी खड़ी हुई है जो आपका कभी बुरा नहीं होने देगी, और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। जल में बहुत अधिक पावर होती है, लेकिन जब आप अपनी शक्ति इसमें मिला लेते हैं, अपने इष्ट की शक्ति आप में इसमें मिला लेते हैं, तो आप मानकर चलिए कि कई गुना पावरफुल हो जाता है। आपके संकटों को, आपकी समस्याओं को, चाहे धन संबंधी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद चल रहा हो, कोई परेशानी, क्लेश चल रहा हो, कोई भी समस्या हो, आपकी वह समस्या दूर होने लगती है। एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ, आप इसे अवश्य, बल्कि मैं कहूँगी इस सोमवार को ही जो कल आ रहा है, आप जानते ही होंगे कि जल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और सोमवार का दिन चंद्रमा को ही समर्पित होती है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। आपने ये तो बहुत ही सुन के रखा होगा कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जी हाँ, आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद यदि भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और जल समर्पित करते हैं, आप अपने मन में कैसी भी आशा लेके जाते हैं, कुछ दिनों में वह आपकी आशा अपने आप, सिर्फ आपने किया क्या, एक अपने घर से कलश में अपने घर का जल लिया, पवित्र जल, शुद्ध जल, और जाके भोलेनाथ पर समर्पित किया, उससे ही आपकी समस्याएं। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इतना भटकने लगते हैं अपनी समस्याओं को लेके, लेकिन फिर भी समस्याओं का निदान मुश्किल से मिल पाता है। और आप जब भोलेनाथ के मंदिर एक कलश जल लेकर जाते हैं, आपकी समस्याओं का खुद ही खुद ब खुद निदान होता चला जाता है, आपकी समस्याएं आपसे दूर चलती चली जाती हैं। जो जल का मैं उपाय बता रही हूँ, आपको करना ये है, आप कहीं भी बैठे हों, एक साफ़ सुथरा आसन ले लें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप यदि बिस्तर पर भी बैठ के कार्य कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने समक्ष एक गिलास जल रख लें,
उसमें थोड़ा कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और 24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करें उस गिलास को देखते हुए जिसमें आपने जल रखा हुआ है, उस गिलास को देखते हुए। और आप यदि ये कार्य सुबह स्नान करने के तुरंत बाद अपने घर के मंदिर के समक्ष बैठ के करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन हो सकता है आपको समय समय ना मिले या मन नहीं हो तो आप ये कार्य कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद उस जल का छिड़काव आप अपने घर में कुछ बूंदे कर दें, पूरे घर में छिड़काव कर दें और उसको आप प्रसाद मानकर, भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वयं ग्रहण कर लें। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं उस समस्याओं को समय याद करें, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी आपके इष्ट हों, कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे विनती कीजिए। उस समय जल ग्रहण करते समय आप देखना आपके घर में भगवान की का आशीर्वाद लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि कोई मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है जो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, बुरा होने ही नहीं देगी। जो समस्याएं हैं धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगी हैं। और इसी प्रकार आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, अवसाद की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, घर में क्लेश ज़्यादा हो रहा है या पैसे की आवक बिल्कुल खत्म हो गई है, कर्ज ले लेके ज़िंदगी चलाना पड़ रहा है। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, छोटी सी हमारे साथ परेशानी आती है और हम सीधे सीधे इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं और फिर से अच्छा जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको करना ये होगा, आप रात्रि में सोते समय, और आज रविवार है, रविवार के दिन आपसे शुरू करते हैं या सोमवार के दिन से शुरू करते हैं, यह उपाय लगातार 7 दिन, 21 दिन और बहुत बड़ी समस्या है तो 41 दिन अवश्य करें। एक गिलास शुद्ध जल ले लें, पवित्र जल ले लें, आपको झूठा गिलास नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। आप लोटा भी ले सकते हैं, कलश भी ले सकते हैं और अपने बिस्तर के नीचे, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर के नीचे रख दें। सुबह उठकर सबसे पहला कार्य ये करें, उस जो लोटे का जल है आप अपने टॉयलेट में डाल दें या कोई नाली है आसपास वहाँ डाल दें। आप देखना आपके ज़िंदगी की नकारात्मकता, जो आपके ज़िंदगी की परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है, वह समाप्त होने लगेगी। या आपको ऐसा लगता है कोई विशेष कार्य करवाना है तो इस जल को करना, आपको सेम यही कार्य है लेकिन पीपल के वृक्ष में या बड़ के वृक्ष में, जो भी पवित्र वृक्ष कहते हैं उसमें आपको ये जल समर्पित करना होगा। और उसके साथ साथ अपने मन में एक प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ आप रहें, मेरे हर कार्य को सिद्ध करना आपके ही हाथ में है और आप ही कर सकते हैं, बस इतना कह दें। आप देखना कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ये छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों को आप यदि करते हैं, आप कभी देखना आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो जानने बूझने वाला, जो आपका परिचित हो, बहुत अच्छे दिल का हो, लोगों की मदद करता है या लोगों भगवान को बहुत अधिक मानते हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, उनके घर लगातार प्रयास करना कि 7 दिन, सिर्फ 7 दिन आप इस उपाय को आजमा कर देखना। उसके यहाँ, उस व्यक्ति के यहाँ लगातार 7 दिन जल पीना, आप देखना आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, अच्छी अच्छी बातें आने लगेंगी, किसी के प्रति सेवा भाव आने लगेगा, किसी के प्रति दया भाव आने लगेगा। जल में बहुत शक्ति है, बस उसको समझना हमारे मन में होना चाहिए, उसको करना हमारे मन में होना चाहिए। आप भी इन पानी के बहुत छोटे छोटे जो उपाय मैंने बताए हैं कर देखें, लेकिन विश्वास के साथ। यदि आप विश्वास के साथ करते हैं तो 100% जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, जिस समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं, जिस इच्छा को पूरी करने के लिए कर रहे हैं, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।